गाइस आज के इंडियन जो ऑटोमोबाइल मार्केट में दो टाइप के गियर बॉक्स वाले गाड़ियां मिलती हैं, एक है मैनुअल गियर बॉक्स और दूसरा है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। अब ऑटोमेटिक में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे AMT, IMT, CVT, ये सभी आता है, वो सब पे मैं नहीं जाऊंगा। ऑटोमेटिक को ऑटोमेटिक रखेंगे और मैनुअल को मैनुअल में रखेंगे। बताऊंगा कि कुछ जो सवाल है कॉमन वाले, उसका मैं आज जवाब दूंगा और आपको क्लियर करूंगा कि मैनुअल और ऑटोमेटिक में क्या डिफरेंस वगैरह है उसके बारे में। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि मैनुअल, व्हाट इज मैनुअल ट्रांसमिशन, व्हाट इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो देखो, मैनुअल ट्रांसमिशन का सिंपली आपको मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाऊंगा ही नहीं, मैं ऊपर से समझाऊंगा हिंदी में। चलो, तो मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर मैनुअल गियर बॉक्स का मतलब होता है कि जो आप मैनुअली चेंज करते हो गियर लीवर की मदद से, गियर बॉक्स में आप गियर्स को चेंज करते हो। आपने देखा होगा जो मैनुअल में होता है, एक क्लच रहता है, आप गियर लीवर क्लच दबा के गियर लीवर पे पोजीशन चेंज करते हो, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर या फिर सिक्स्थ गियर, ये जो है मैनुअल ट्रांसमिशन में होता है। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या होता है, ऑटोमेटिक में गाड़ी में कोई भी क्लच नहीं होता, सिर्फ एक्सेलरेटर ब्रेक होता है और गाड़ी अपने आप ही जो है गियर्स को चेंज करता है। आप सिर्फ ड्राइव मोड या फिर रिवर्स मोड में गाड़ी को डालते हो और गाड़ी अपने आप उसी हिसाब से गियर्स को चेंज करता है सेंसर की मदद से, गाड़ी के स्पीड के हिसाब से। दूसरा सवाल यहां पे आता है कि कौन सा गियरबॉक्स जो है रिलायबल ज्यादा है, लास्ट लॉन्गर, कौन सा जो गियरबॉक्स है वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ वगैरह रहता है। देखो, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, दोनों ही गियरबॉक्स सही है। आज की डेट में जो कंपनीज गाड़ियां ला रही हैं ऑटोमेटिक में, आप नहीं बोल सकती कि ऑटोमेटिक खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही सेम कैटेगरी में। लेकिन फिर भी अगर हम रिलायबल की बात करें, अगर हम लॉन्ग लास्टिंग की बात करें, सर्विसेज की बात करें, तो मैनुअल जो है, मैनुअल थोड़ा सा रिलायबल आप कह सकते हो, थोड़ा सा सर्विस उसको आप सर्विस थोड़ा सा उसका कम भी लोगे तो भी वो गाड़ी टिकाऊ रहेगी। लेकिन ऑटोमेटिक अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा उसका सर्विसिंग का ध्यान रखो, सर्विस उसका अच्छे से करो ताकि वो जो है फीडबैक आपको गियर शिफ्ट वगैरह फीडबैक वगैरह अच्छे से दे पाए और आपका एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया रहे। तो यही था कि लॉन्ग लास्टिंग कौन सा होगा, तो फिर वही जो थोड़ा सा रिलायबल के केस में थोड़ा सा हल्का सा मैनुअल की तरफ मेरा ध्यान, मेरा जो खिंचाव है वो जाएगा। तीसरा सवाल यहां पे आता है कि हमको कौन सा सबसे पहले सीखना चाहिए, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, कौन सा सबसे पहले सीखने से बेटर रहेगा। तो इसमें आप लिख के ले लो, वो ये है कि मैनुअल में पहले सीखो, मैनुअल में गाड़ी चलाना सीखो, उसके बाद ऑटोमेटिक में शिफ्ट करना और शिफ्ट कर लेना। तो इसका क्या रीजन है वो मैं बता रहा हूं। जो मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल गाड़ी अगर आपने सीख लिया तो आप ऑटोमेटिक चला लोगे, मैनुअल भी चला लोगे। मैनुअल हार्ड है, तो हार्ड को अगर आप सीखे तो इजी आपके लिए तो और भी इजी हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप ऑटोमेटिक सीख लेते हो पहले, तो आप मैनुअल नहीं चला पाओगे, क्योंकि मैनुअल में क्लच होता है, गियर को शिफ्ट करना पड़ता है क्लच दबा के, और इंजन को उसी हिसाब से आपको रेव करना पड़ता है, तो वो सब चीज दिमाग में बिठाना मुश्किल हो जाता है अगर आप ऑटोमेटिक से मैनुअल आओगे। लेकिन मैनुअल से अगर आप ऑटोमेटिक पे जाते हो तो आपको बस यूज टू होना पड़ेगा, आपको बस आदत लगवाना पड़ेगा बिना क्लच के गाड़ी चलाने का। लेकिन अगर ऑटोमेटिक से मैनुअल आएंगे, नहीं भैया माफ करो, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो आपको सबसे पहले मैनुअल में सीखो, फिर आप ऑटोमेटिक में स्विच कर सकते हो। चौथा सवाल यहां पे है, विच इज इजियर, कौन सा आसान है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो इजी है, तो कंपेयर टू मैनुअल वो बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको बस गाड़ी का डायमेंशन का ध्यान रखना पड़ता है, कितना आगे से निकला हुआ है, कितना पीछे से है, और आपको जो है गाड़ी ठुक जा रही है या नहीं उसका ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो है गाड़ी आप दो तीन दिन में चलाना सीख जाओगे अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो, अगर आपका दिमाग सही है तो। लेकिन वहीं पे मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको टाइम लगेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन में क्लच होता है, क्लच के हिसाब से गाड़ी को गियर्स को चेंज करना पड़ता है, सही से चेंज नहीं करोगे गाड़ी बंद हो जाएगा, बम्प्स में गाड़ी बंद हो जाता है, बम्प्स मतलब बम्प्स बोल दिया मैं, हम्प्स पे गाड़ी बंद हो जाता है, इंक्लाइन पे गाड़ी बंद हो जाता है, वो सभी का सीन रहता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। पांचवा सवाल, या फिर पांचवा सवाल नहीं, यहाँ पे बात करेंगे पांचवे पे कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या मेरिट्स डिमेरिट्स है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल गियरबॉक्स में। मैनुअल गियरबॉक्स में वही है कि आपको गियर्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, आपका थोड़ा सा कंफर्ट लेवल कम हो जाता है, बार बार आपको गियर चेंज करना है, क्लच दबाना है, ये वो करना है, तो वहां पे कम रहता है। लेकिन मैनुअल गियर में फायदा यह है कि अगर आपकी गाड़ी कभी भी बंद पड़ी, कभी आपका बैटरी डेड हो गया, तो आराम से आप धक्का स्टार्ट कर सकते हो, या फिर गाड़ी को जैक पे लगा के चक्के को हवा में उठा के, जैसे टायर चेंज करते हो वैसे करके, आप जो है उस पर कपड़ा लपेट के खींचोगे किसी गियर पे डाल के, तो गाड़ी कई मायनों पे स्टार्ट हो जाती है, हो जाना चाहिए अगर आप सही से करते हो तो। लेकिन वहीं पे ऑटोमेटिक में ये सब चीज अवेलेबल नहीं है। ऑटोमेटिक में ना तो आप धक्का स्टार्ट कर सकते हो, ना ही आप जो है कपड़ा लपेट के चक्का को खींचोगे तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट यानी कि कोई एक बैटरी लेके आओ, मतलब कहीं किसी और गाड़ी से बैटरी लाओ, या फिर कहीं से भी बैटरी का जुगाड़ करो और उसको अपने बैटरी पे, अपने जो गाड़ी के डेड बैटरी लगाओ उस पे कनेक्ट करके गाड़ी को स्टार्ट करो, तो गाड़ी स्टार्ट होगी। यही एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है। तो ये एक कौन से ऑटोमेटिक का, और हाँ सर्विसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ऑटोमेटिक का।
अब सिक्स्थ नंबर पे क्वेश्चन है वो है प्राइसेस का। प्राइसेस का कैसे रहता है, देखो ऑटोमेटिक जो है वो थोड़ा सा महंगा रहता है कंपेयर टू मैनुअल। मैनुअल चूंकि वो मैनुअल ही उसका इजी रहता है, इतना कुछ उसमें सेंसर वेंसर जरूरत नहीं है, तो मैनुअल में थोड़ा सा कम प्राइस लगता है, ऑटोमेटिक में ज्यादा प्राइस लगता है, वो अपने हिसाब से ले सकते हो। और आखिरी में हम बात करेंगे कंक्लूजन, तो आखिरी में क्या आता है, तो मैनुअल किन के लिए सही है। देखो अगर आपको ऑफ रोड, अगर आपको जो है ऑफ रोडिंग पे गाड़ी को थोड़ा सा पुश करना है, गाड़ी को थोड़ा सा रफ एंड टफ चलाना है, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा मैनुअल के साथ जाओ। ऑफ रोड अगर आप करना चाहते हो, जैसे थार वार ले लिया, फिर कोई ऑफ रोडिंग कार ले लिया, तो फिर मैनुअल उसके लिए सही है। लेकिन अगर आप एक कंफर्टेबल स्मूथ आरामदायक बिंदास फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव या फिर कहीं पे जाना चाहते हो, फैमिली की गाड़ी चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमेटिक के साथ जा सकते हो, कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही गियर बॉक्स अपने आप में सही है, कोई भी गियर बॉक्स खराब नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से आप गाड़ी को चूज करके ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया। हाँ ऑटोमेटिक जो है आप अगर फैमिली के लिए ले रहे हो या फिर आपके घर में कोई लेडी है जो चलाती है गाड़ी डेली पर्पज के लिए, तो आप उनके लिए भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले सकते हो, अगर उनको इजी कार इजी तरीके से गाड़ी चलानी है तो। बाकी अगर मैनुअल चलाना आता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो गाइस यही तक था मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का डिफरेंस, आपको कैसा लगा वीडियो मेरे कमेंट में जरूर बताएगा। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है 24/7 कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नहीं पसंद है इसलिए इसी के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें और देखते रहिए कार्स लेन। बाय बाय।